आज भारतीय नौसेना को दो दो उपहार मिले हैं। पहला INS विक्रांत और साथ ही साथ भारतीय नौसेना के झंडे से गुलामी के प्रतीक का हटना। जी हाँ, आपको बता दें, पहले गुलामी का प्रतीक यानी कि लाल निशान भारतीय नौसेना पर था, लेकिन 8 साल बाद फिर इस निशान को हटा दिया गया है। बता दें कि नौसेना का नया ध्वज अब औपनिवेशिक अतीत से दूर है। अभी तक नौसेना का निशान सफेद रंग का था, जिस पर लाल धारियां बनी हुई थी। इसे क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज कहा जाता था। इसके बीच में एक अशोक चिन्ह बना हुआ था और ऊपर बाई और तिरंगा लगा था। बता दें कि आजादी से अब तक कई बार झंडे नौसेना के बदले जा चुके हैं और आखिरी बार ये झंडा 2014 में बदला गया था, जिसके 8 साल बाद फिर आज इस झंडे को बदल दिया गया है। बता दें कि नए निशान से लाल क्रॉस को हटा दिया गया है और ऊपर बाई और की तरफ तिरंगा लगाया गया है। वहीं बगल में नीले रंग के बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर में अशोक चिन्ह बनाया गया है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है, जिस पर अशोक चिन्ह बना है। देखा जाए तो वो असल में छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मोहर मानी जाती है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा जुड़े रहने के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।